Hey guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. So ZTV ka show Bhagya Lakshmi, it is definitely Zee's one of the most popular show jo kafi zyada successful raha hai, whether it is the storyline, the chemistry of the leads, it is फैबुलस. लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये शो पसंद आ रहा है. लेकिन आज हम इस शो के अपकमिंग ट्रैक के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, बल्कि हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा कोस्टार है जो शो की लीड लक्ष्मी यानी कि ऐश्वर्या के दिल के सबसे करीब है. नाउ आपके गेसेस होंगे कि मे बी रोहित जो ऋषि का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो शायद ऐश्वर्या के दिल के सबसे करीब है, या फिर कोई और कोस्टार. बट हम आपको बता दें कि ऐश्वर्या जिस कोस्टार के सबसे ज़्यादा करीब हैं वो है स्मिता बंसल, जो कि लक्ष्मी की सास नीलम का कैरेक्टर निभाती है. ऐश्वर्या ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि ऑन स्क्रीन लक्ष्मी और नीलम के बीच के रिश्ते जितने ही ज़्यादा खट्टे हैं, ऑफ स्क्रीन ऐश्वर्या और स्मिता का जो रिलेशनशिप है वो उतने ही ज़्यादा मिठास से भरा है. ऐश्वर्या ने कहा कि वो भाग्य लक्ष्मी के सेट में सबसे ज़्यादा स्मिता बंसल के क्लोज हैं एंड वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड सिचुएशन के हिसाब से ऐश्वर्या और स्मिता का जो रिलेशनशिप है वो चेंज होता रहता है. जब ऐश्वर्या को ज़रूरत पड़ती है तो स्मिता उनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं एंड जब ऐश्वर्या को ज़रूरत पड़ती है तो स्मिता उनकी माँ भी बन जाती है. उन्होंने ये भी कहा कि वो स्मिता को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन एंड वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है कि उन्हें इतना ब्यूटिफुल टाइम बिताने को मिला स्मिता के साथ. खैर हम आपको बता दें कि ऐश्वर्या के पहले भी सिद्धार्थ निगम जो कि स्मिता के साथ अलादीन में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो स्मिता को अपनी माँ की तरह ही मानते हैं, क्योंकि उस शो में स्मिता जो है वो अलादीन की माँ का कैरेक्टर निभाती थी एंड स्मिता और सिद्धार्थ के भी रिलेशनशिप इतने अच्छे हो गए कि वो ऑफ स्क्रीन भी कहीं ना कहीं स्मिता को अपनी माँ ही मानने लगे. वेल, ये दोनों इंसिडेंट से ये तो पता चलता है दैट स्मिता बंसल जितनी उम्दा एक्ट्रेस हैं उतनी ही अच्छी इंसान भी है. तभी तो लगातार एक के बाद एक कोस्टार्स उनको इतना स्पेशल मानते हैं. खैर ये थी स्मिता और ऐश्वर्या की बॉन्डिंग के बारे में अपडेट. लेकिन शो में आपको आगे क्या देखने मिलेगा हम आपको बता देते हैं. जैसे कि आप देखेंगे कि कोर्ट ने ऋषि और लक्ष्मी को कुछ समय दिया है एंड अगर इस समय में ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर देते हैं तब तक तो ठीक है, बट इसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि इन्हें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है तो कोर्ट जो है उनको डिवोर्स ग्रांट करेंगे. अब लक्ष्मी पूरी कोशिश कर रही हैं एंड वो अपना हक भी मांग रही हैं बिकॉज वो अभी भी ऋषि की वाइफ है. एंड इसी बीच हम ये भी देखेंगे कि वापस कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा, बट क्या फाइनली ऋषि और लक्ष्मी एक हो पाएंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. तो ज़रूर बताइए कि आप इस शो के ट्रैक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड फॉर मोर न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स, गॉसिप्स एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, डू सब्सक्राइब टू ग्लिट्स विजन यूएसए. Hi everyone, you're watching me on Glitz Vision USA. Thank you.